तो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं टेस्टी से दिखने वाले कोफ्ते, जो बनाएंगे हम बिना लहसुन और प्याज के। तो यहाँ पर मैंने ले लिए एक लौकी और थोड़ा बेसन। लौकी को मैंने छील के धो लिया है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं लौकी को ग्रेट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रेटर और इसको हम मोटे तरफ से लौकी को ग्रेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी लौकी भी ग्रेट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। हमारी लौकी में बहुत ज़्यादा पानी है तो इसका हम पहले पानी निचोड़ेंगे और इसमें थोड़े कोई कोई बीज आ गए हैं मोटे, उनको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कपड़ा, हम कपड़े की सहायता से इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को ऐसे बांध लेना गठरी की तरह और ऐसे दबा दबा के पानी निकालेंगे। देखिए कितना सारा पानी है इसमें। देखिए हमारी लौकी भी निचोड़ चुकी है, काफ़ी हद तक सूख चुकी है लौकी। देखिए काफ़ी पानी निकलाता है इसमें। अब मैंने लौकी को डाल दिया एक बाउल में और इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन फ्रेंड्स हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम सारे नहीं डाला, जितनी ज़रूरत हो उतना हम डालते जाएंगे। और हमें यहाँ पर डाल देते हैं थोड़े मसाले। आधा चम्मच मैंने डाला हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गर्म मसाला और बहुत थोड़ा सा चिली पाउडर। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स यहाँ पर पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि ये लौकी काफी गीली है, इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखिए बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है इसमें। तो हमारा बैटर बनके रेडी है, चलिए बना लेते हैं इसके कोफ्ते। तो इस तरह से हम हाथ में पानी लगा लगा के इसके ओवल शेप देते हुए ऐसे बना लेंगे कोफ्ते। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल पहले गर्म होने रख दिया था। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाने हैं ये, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं हमारे कोफ्ते। और कोफ्ते हमें इतने ही डालने एक बार में जो डीप फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड पकते हुए। देखिए एक साइड से पक चुके हैं, अब हम इन्हें पलट देते हैं। इन्हें दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिकने देते हैं। जब तक हमारे कोफ्ते सिक रहे हैं तब तक हम इधर इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मसाला मैंने ले लूँगी एक कटोरी में। यहाँ मैंने ले ली आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे।
फ्रेंड्स हमें मसाले देख के डालने हैं, क्योंकि हम मसाले पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा ही मसाला डाला है। और यहाँ पर डाल देंगे ढेर सारा सूखा धनिया, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरह से घोल के मसाले डालने से हमारे मसाले बिल्कुल नहीं जलते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते भी बनके रेडी हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब जो हमारा ये तेल बचा है, इसी में ही सब्जी छौंक देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दबा कर दिखा देती हूँ, हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। देखिए मैंने बेसन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, अगर यहाँ पर बेसन हम ज़्यादा डाल देते हैं तो टाइट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने तेल जो बचा था उसी में मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लेना है। मेथी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम डाल देते हैं मसाले जो अभी हमने कटोरी में बनाए थे। देखिए इस तरह से डालने से हमारे मसाले बिल्कुल नहीं जलेंगे, कोई इनमें जलेपन की खुशबू नहीं आएगी। अब इन्हें मसाले को अच्छे से फ्राई होने देते हैं। देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, सारा तेल अलग हो गया मसाले से। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं पानी, पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। ये मैंने वही डोंगे में पानी लिया है जिसमें अभी मैंने बैटर बनाया था, क्योंकि इसमें बेसन भी था और इसमें मैंने थोड़ा एक चम्मच बेसन और डाल दिया है, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बने। अब हम अच्छे से ग्रेवी को पका लेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी में बॉयल आ गया है। इसे हमें 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाना है, उसके बाद हमें डालने हैं कोफ्ते। तो ये 2 से 3 मिनट हो चुके थे पकते हुए, अच्छे से बॉयल भी आ गया था। अब मैंने यहाँ पर कोफ्ते डाल दिए हैं, अब हम कोफ्ते के साथ भी 2-3 मिनट ही पकाएंगे, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से गल जाएं, बस घुले नहीं, इसमें इतना नहीं पकाएंगे। तो अब इसे ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी टेस्टी सी रेसिपी हमारी बनके रेडी हुई है, ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा हरा धनिया, इससे इसका टेस्ट और लुक दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आपको देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही होगी, और ये वाकई खाने में बहुत ही टेस्टी और लजीज बनी है। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें।